नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे वल्लभ नगर विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान में चुनाव चरम पर है। यहां 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। राजस्थान में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। एक तरफ जहाँ बीजेपी मिशन राजस्थान को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार रिपीट को लेकर पूरी ताकत झोंक दी। वल्लभ नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने यहाँ उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने यहाँ से गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति सिंह शक्तावत को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने एक बार फिर उदयलाल डांगे को यहाँ मौका दिया है। 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत ने बीजेपी के उदयलाल डांगे को हरा कर यहां से जीत दर्ज की थी। फिर 2021 के उपचुनाव में गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद उनकी पत्नी प्रीति सिंह शक्तावत को टिकट दिया गया और उन्होंने जीत दर्ज की, और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर उदयलाल डांगी बागी हो गए और आरएलपी का दामन थाम लिया था और जनता सेना और भाजपा को पछाड़ दिया, लेकिन वे खुद भी हार गए थे और उपचुनाव में यहाँ भाजपा की जमानत जब्त हो गई। वैसे तो मेवाड़ बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन मेवाड़ में वल्लभ नगर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी रहती है। बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी दौरे कर यहाँ मतदाताओं को साधने का प्रयास करते हैं। इस सीट पर कई बार कमल खिला है, वहीं कई वर्षों तक यहाँ कांग्रेस ने राज किया है। स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत कई बार इस सीट से कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और सरकार में वे मंत्री भी। इस सीट पर पहले विधायक 1952 में जनसंघ के आरएस दिलीप सिंह रहे और वर्तमान में यहाँ कांग्रेस की प्रीति सिंह शक्तावत विधायक। वल्लभ नगर विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। इस बार यहाँ से जीत किसको मिलेगी, ये तो जनता ही तय करेगी। अब बात करें वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहाँ 264,000 के आसपास मतदाता है। वल्लभ नगर विधानसभा सीट पर SC ST का दबदबा है और यहाँ ब्राह्मण, राजपूत और डांगी भी प्रभाव रखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के 2023 के चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति सिंह शक्तावत की, तो वे कांग्रेस के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी हैं। प्रीति सिंह शक्तावत वर्तमान में वल्लभ नगर में विधायक हैं। आपको बता दें प्रीति सिंह शक्तावत राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत के भू हैं और उनके पति गजेंद्र सिंह शक्तावत भी वल्लभ नगर से विधायक रहे हैं। और पति के निधन के बाद प्रीति सिंह शक्तावत ने उपचुनाव लड़ा और चतुष्कोणीय में जीत दर्ज की। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी उदयलाल डांगे की, तो वे 2018 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी थे, लेकिन वे चुनाव हार गए। फिर उपचुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आरएलपी का दामन थामकर चुनाव लड़ा और वे दूसरे नंबर पर रहे। वल्लभ नगर विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार वल्लभ नगर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।